सुप्रभात आप सभी को। आज हम क्लास टेंथ की बुक क्षितिज भाग दो से पाठ नंबर 16 यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत पढ़ेंगे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा इन्होंने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक भी लिखी है, जिसका नाम गिरिजा है। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां के रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्ला खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। तो चलिए पढ़ते हैं नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर, ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं मामूजान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन सब शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा दैक सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोजनामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनकी अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन, जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्ला खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन के छोटे साहिबजादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है।
मसलन बिस्मिल्ला खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्ला खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते ना जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत देवड़ी तक पहुँचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्ला खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति नहीं, आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। इस प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस संगीत शास्त्रांगत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी नरकट या रीढ़ होती है को नए बोलते हैं। शहनाई को शाह नए अर्थात सुशीर में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती हैं में शहनाई मुरली वंशी शंगी वे मुरशंग आदि का वर्णन आया है। अवधि पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई की मंगल ध्वनि नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्ला खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा। फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने उहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। हिरण अपने ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्ला खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अब तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्ला खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अजादारी शोक मनाना अजादारी मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं।
इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। उनकी आँखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। आज़ादारी होती है, हज़ारों आँखें नम, हज़ार बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है, एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग, कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अज्जाबान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, वे गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी, बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आँखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 4 साल का रहा होगा, छुपकर नाना को शहनाई बजते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वहाँ करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना। उस पर यह शोक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे और कुलसुम की देशी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी। संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन से उठने वाली आवाज़ ने उन्हें सारे आरो अवरो दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है और वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्ला खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्ला खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ वे बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है,
हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक ना ये शहनाई छूटेगी ना काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्ला खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन वे इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्ला खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्ला खां हैं। बिस्मिल्ला खां का मतलब बिस्मिल्ला खां की शहनाई, शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्ला खां का हाथ। हाथ से आशय इतना भर के बिस्मिल्ला खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है, खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है। ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे, शहनाई में सात सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुबहान अल्लाह, इस पर बिस्मिल्ला खां कहते अलहम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है, शहनाई का कर्तव्य शुरू होने लगता है। बिस्मिल्ला खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ, फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई डेढ़ शतक के साज से दो शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी, उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी तहमत ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमत में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनिया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई। तब क्या खाक रियाज हो पाता, ठीक है बिटिया आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। सन 2000 की बात है, पक्का महाल, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है, अब देशी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वे कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है, अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान हैं बिस्मिल्ला खां, कहाँ है वह कजली चैती और अदब का जमाना। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्ला खां साहब को इन सब की कमी खलती है।
काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्ला खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम तजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्ला खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने वे आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत वे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्ला खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जी जीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।